हाय आई एम खुशबू गलैया और मैं मेरे हस्बैंड का नाम है रुचित गलैया मैं उनकी वाइफ हूँ और उनको लीवर का प्रॉब्लम था इसके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ वो हम लोग गुजरात में रहते हैं लेकिन गुजरात में हम लोग को थोड़ा कम पता चला वहाँ पे डॉक्टर्स को हम लोग गए दिखाने के लिए तो डॉक्टर्स ने हीमोग्लोबिन का बताया तो ही, उनको कमज़ोरी बहुत लग रही थी अगस्त से अगस्त से उनको थोड़ा थोड़ा जैसे पाव बहुत दुख रहे थे और सब अच्छा नहीं लग रहा था कंफर्टेबल नहीं लग रहा था तो उनकी हीमोग्लोबिन की ट्रीटमेंट चालू थी वहाँ पे सब रिपोर्ट्स कराई तो वहाँ सब नॉर्मल आई तो हम लोग ने फिर नागपुर आए तो नागपुर आए ना तो हम लोग को एकदम से उस, उसका पेट एकदम बाहर आ गया और आँखें एकदम येल्लो लग रही थी तो हम लोग फिर नागपुर डॉक्टर किरण बेलसेरे के पास गए पहले उनने हमको तुरंत बता दिया कि इनको है ही प्रॉब्लम देख के ही बोल दिया फिर सब रिपोर्ट्स कराई फिर हम लोग वैभव बनाए डॉक्टर वैभव बनाए थे उनके पास वो लीवर की है उनको प्रॉब्लम तो उनके पास गए तो उन लोग ने हमको सजेशन दिया और डॉक्टर राजेश सिंह भी तीनों डॉक्टर ने मिल हमको सजेशन दिया कि आप लोग हैदराबाद जाओ और डॉक्टर टॉम चेरियन सर का उनका नाम बोला तो हम लोग को उनने बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि वो नहीं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो हम लोग फिर हैदराबाद आए है, और हैदराबाद में फिर एडमिट रहे ये पंद्रह दिन और उनको जो उनका पेट का प्रॉब्लम था ये सब उन लोग ने पूरा नॉर्मल किया सब ट्रीट किया सब स्टाफ बहुत अच्छा था नर्स डॉक्टर की टीम सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा दूसरा हॉस्पिटल हो, और केयर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अंतर है केयर हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है उन सब नीटनेस है क्लीन सब हॉस्पिटल में जो क्लीननेस है सब स्टाफ है डॉक्टर्स का स्टाफ टीम सब जो दूसरे हॉस्पिटल से मैंने देखी है वो बहुत अच्छी है बहुत यानी ऐसा लगता ही नहीं कि अपन हॉस्पिटल में है वो सब ऐसा फैमिली जैसा ही लगता है सब फैमिली जैसे मेंबर रहना वैसे ही ट्रीट करते हैं और दूसरे हॉस्पिटल में मुझे कम देखने को मिला मैं गुजरात से ही हूँ लेकिन गुजरात में तो मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया है जो यहाँ फ़ील किया यहाँ आके केयर हॉस्पिटल में आके जो फील किया है वो मुझे गुजरात में कभी फील नहीं हुआ है क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी पहले भी दो पेशेंट थे उनको भी प्रॉब्लम्स बड़ी ही थी लेकिन जो मुझे यहाँ मिला ना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो आ नहीं मिला मुझे मुझे विजय वाड़ा से डोनर जो मिला इनके लिए उनके लिए तो बहुत बहुत मैं जितने वर्ड्स बोलूँ उतने कम है उनको बहुत अच्छी फैमिली है जिनने मेरे हस्बैंड को लीवर डोनेट किया उनके कारण ही आज वो है अपने बॉडी का हर पार्ट हर चीज़ आंख से लेके किडनी से लेके कर लीवर से लेके अगर किसी को कुछ भी काम है तो हर ऑर्गन्स अपने बॉडी का हर पार्ट डोनेट करना चाहिए तो किसी की लाइफ बच सकती है और हमें बहुत दुआ मिलेंगी हमारे परिवार को भी बहुत दुआ मिलेंगी अगर हम सब कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए और इसमें कुछ बुरा नहीं है सब अच्छा ही है अगर डोनेट करें तो किसी की जान बच सकती है अब मेरे हस्बैंड की ही बच गई तो मुझे खुद को लग रहा है कि मैं भी डोनेट करके ही जाऊँ यानी करना अच्छी ही बात है मेरे हस्बैंड की जो कंडीशन थी वो मैंने देखी है और महसूस की है कि उनको कितना यहाँ के अच्छा हुआ है इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग केयर हॉस्पिटल में आओ हैदराबाद के और डॉक्टर टॉम चेरियन सर के पास अपना ट्रीटमेंट कराओ बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और मुझे भरोसा है कि मैं पहले से यही ज़िंदगी जैसे जी रहा था वैसे जी पाऊँगा मुझे पूरा भरोसा है पहले जो मैं था वही